तो गाइस अमेजॉन प्राइम पर एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है रोड हाउस, जो कि हिंदी डब में आपको देखने को मिलती है। और मैं ऐसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस इसकी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस इसमें एक एक्स UFC प्लेयर को दिखाया गया है जिसका नाम डाल्टन रहता है और वह एक क्लब में बाउंसर का नौकरी करता है। और फिल्म में ट्विस्ट तभी आ जाता है जब उसका सामना कुछ क्रिमिनल के साथ होता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म को एक शब्द में रिव्यू करूँ तो फिल्म बहुत ही बवाल है। यदि आपको एक्शन फिल्म देखना पसंद है तो ही, सिर्फ इसका एक्शन बहुत ही OP लेवल का है। यदि आपको एक्शन देखना पसंद है तो ये आपका एक्शन के लिए पूरा ट्रीट करती है। मस्त एक्शन इसमें दिखाया गया है, पर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें कुछ भी आपको नया स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, वही एवरेज सी स्टोरी है। पर यदि आपको एक्शन देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो इसे देखिएगा। इसकी एक्शन को जो कोरियोग्राफ किया गया है, जो पिक्चराइज किया गया है, वह बहुत ही OP लेवल का किया गया है, तो आपको देखकर मजा आ जाता है। एक्टिंग की बात करें तो सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, पर आप इमोशनली उनसे कनेक्ट फील नहीं करते हैं, पर एक्टिंग सभी ने बहुत ही बढ़िया की है। ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी इसमें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफी, BGM, एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है, जिस तरह से शूट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को शूट किया गया है। और जितना भी एक्शन दिखाया गया है वह रॉ टाइप का एक्शन लगता है, मतलब ओरिजिनल एक्शन लगता है, फेक नहीं लगता है। और इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको एक्शन देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसके एक्शन के लिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा देती है। कहानी में फिल्म इतना आपको अच्छा नहीं लग सकती है, पर इसका एक्शन आपको बहुत ही मज़ा देगी। और हाँ, ऐसा फैमिली के साथ मत देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।